और दोस्तों इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है, अब फाइनली लॉन्च कर दिया गया है रियलमी एक्स टी, क्योंकि इस स्मार्टफोन का लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे। वैसे जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा, ये भारत का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो कि क्वाड कैमरे के साथ आ रहा है। इसमें प्राइमरी सेंसर आपको 64 मेगापिक्सल का दिया गया है, और भी 3 कैमरे दिए गए, उस पर भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्राइस क्या रखी गई है और ये आपको फोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के तक जरूर से देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से लेकर के, तो नो डाउट रियलमी वालों ने इस बार कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया गया है, क्योंकि इसका जो कलर देखो कितना ज्यादा दिखने में अच्छा है। क्वाड कैमरे जो दिए गए वो साइड में दिए गए हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि रियलमी के जितने भी फोन्स आते थे अब तक वो प्लास्टिक की बॉडी के साथ आते थे, लेकिन ये पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो कि ग्लास की बॉडी के साथ आ रहा है। फ्रंट और बैक दोनों ही में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी को लेकर के तो मैं रियलमी वालों को जरूर से एक थम्स अप देना चाहूंगा। और दोस्तों अब बात करेंगे हम यहाँ पे इसकी डिस्प्ले के बारे में, तो मैं आपको बता दूं 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और नॉच डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी, साथ ही साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल इस फोन की डिस्प्ले भी काफी ज्यादा कमाल की रहने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं कोई वीडियो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपके लिए नए नए स्मार्टफोन की वीडियो बनाता रहता हूं और आपको अपग्रेड करता रहता हूं। और दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसके रैम और वेरिएंट के, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 4GB 64GB 6GB 64GB और 6GB 128GB, और तीनों ही वेरिएंट में माइक्रो डेडिकेटेड एसडी कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से सारे ही स्मार्टफोन में होना चाहिए। 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, तो बैटरी भी बड़ी होनी चाहिए थी। उसी को देखते हुए रियलमी वालों ने इसमें 4000mAh की बैटरी डाली है, 3.5mm का ऑडियो जैक भी आपको देखने को मिलेगा, टाइप सी पोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा, 20W का आपको फास्ट चार्जर भी इसी स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेगा। जो फ्रेंड्स ओवरऑल सारी चीजें अच्छी दी गई हैं इस स्मार्टफोन में, तो बैटरी को लेकर के भी आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 20W का इसमें आपको फास्ट चार्जर भी देखने को मिल रहा है। अभी तक क्या होता था, बाहर से परचेज करना पड़ता था, लेकिन अब इस स्मार्टफोन के बॉक्स में ही आपको देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों अगर आप कोई ऐसा स्मार्टफोन देख रहे हैं जो 10,000 रुपए से नीचे आता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा हमने आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने आपको बताया टॉप 5 स्मार्टफोन जो कि 10,000 रुपए के नीचे आते हैं। आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे रहा हूं, आप जाकर के उस वीडियो को एक बार देख लीजिए और आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कौन सा फोन आपके लिए 10,000 रुपए की प्राइस में सबसे ज्यादा अच्छा है। चलिए दोस्तों अब बात करना चाहेंगे हम लोग यहाँ पे रियलमी एक्स टी के प्रोसेसर के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला 712 चिपसेट देखने को मिल जाएगा, और ये प्रोसेसर भी काफी ज्यादा कमाल का प्रोसेसर है। आप इसमें पबजी भी खेल पाएंगे, बैटल बैट भी खेल पाएंगे, सारी चीजें आप इस स्मार्टफोन में कर पाएंगे, कोई भी हैंगिंग की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। डिजाइन, डिस्प्ले, बैटरी तो इस स्मार्टफोन को अच्छा बनाती है, साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा इस स्मार्टफोन को अच्छा बनाती है वो बनाता है इसका कैमरा। जनरल आपको बैक में क्वाड कैमरे सेंसर दिए गए, 64 मेगापिक्सल का आपको इसमें प्राइमरी सेंसर दिया गया, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया, 2 मेगापिक्सल का आपको इसमें माइक्रो लेंस दिया गया है, और 2 मेगापिक्सल का आपको इसमें डेप्थ सेंसिंग देखने को मिल जाती है। मैं आपको बता दूं इसमें सैमसंग के GW1 सेंसर यूज हुए हैं, तो कोई भी डाउट नहीं है आपकी पिक्चर क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ मैं बात करना चाहूं यहां पे इसके फ्रंट कैमरे को लेकर के, तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। तो कैमरा सेंसर इस स्मार्टफोन में काफी ज्यादा अच्छे दिए गए, आप मर्जी चाहे वैसे फोटो क्लिक कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं इसमें आपको 4K वीडियो का सिस्टम भी दिया गया, मतलब आप 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाएंगे इस स्मार्टफोन से। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे इसकी प्राइस की, तो मैं आपको बता दूं 4GB 64GB वाला जो बेस वेरिएंट है इसकी प्राइस 15,999 रुपए रखी गई है, 6GB 64GB 6GB 128GB की प्राइस आप मेरी स्क्रीन पर क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे। और दोस्तों अब मैं आपको फाइनली बताना चाहूंगा ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे ये स्मार्टफोन कंप्लीटली अच्छा स्मार्टफोन है, क्योंकि इसमें सारी चीज अच्छी दी गई है। क्वाड कैमरा सेंसर दिया गया 64 मेगापिक्सल का, और सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आ रहा है 16,000 रुपए की प्राइस में, ये किसी भी स्मार्टफोन में नहीं आ रहा है। तो सोच क्यों रहे, जल्दी से आप इस स्मार्टफोन को परचेज कर लीजिए अगर आपका बजट है 16,000 रुपए।
चलिए दोस्तों आज की वीडियो को बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ अगर आपको लगता है इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, मैं आपको अगेन कह रहा हूँ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में प्रेस वाले घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिल जाए। मेरी फिर मुलाकात होगी आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड टाइम।